पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला बार एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला बार एसोसिएशन मुरादाबाद के सभागार में अधिवक्ताओं के विचार आमंत्रित किए गए। सब रजिस्ट्रार कार्यालय के स्थानांतरण के विषय में सभी से व्यवहारिक परेशानियों के बारे में जाना गया, जिसमें बताया गया कि रजिस्ट्री कार्यालय में काफी संख्या में अधिवक्ता बेनामे, मुआवजा व्यय और हिंदू विवाह अधिनियम आदि के अंतर्गत विवाह पंजीकरण और निकाह से संबंधित करारनामा पंजीकरण कराते हैं, जिसमें कानूनी मशवरा शामिल होता है और कार्यालय के स्थानांतरण से उनके जीविका पर प्रभाव पड़ेगा। कार्यालय सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद किराए के भवन में स्थानांतरण हो रहा है, इससे राज्य सरकार पर भी आर्थिक भार पड़ेगा। कचहरी का प्रस्तावित कार्यालय के मध्य रेलवे का पुल निर्माणाधीन है, जिसमें यातायात जाम रहता है, इससे भी व्यावहारिक परेशानियां उत्पन्न होंगी। विरोध में हमने ये मीटिंग बुलाई थी और आज इसी विरोध में हमने और कार्य से व्रत भी रहे और जनपद न्यायाधीश महोदय से भी वार्ता की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस संबंध में पूरी कार्रवाई वकीलों की रीति करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है, जो 1.5 लाख रुपए राजस्व के रजिस्ट्री कार्यालय से जाएंगे उसका जिम्मेदार कौन बनेगा, और जो बातकारियों की सुरक्षा इतनी दूर जाने में है, उनके पैसे की सुरक्षा नहीं है, उनके लूट की व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है पुलिस की तरफ से जो उनके पैसे का और जान माल का हिफाजत हो सके। और जो एरिया है जहाँ पे इन्होंने सब रजिस्ट्रार दफ्तर बनाया है वहाँ पे भी उसकी सुरक्षा पूरी तरह से नहीं है। सभी चले आ रहे थे जिनको आज नए माबात में ये साधन करने के आदेश पास हुए हैं, उसके विरोध में अधिवक्ताओं में काफ़ी जन आक्रोश है और उन कार्यालयों को पुनः ईसा स्थिति पर रखना जरूरी है। सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो कार्यालय यहाँ पर है वो वहीं रहे जब तक उसका निजी भवन ना बन जाए, किराए के भवन में इस साधन ना किया जाए। अभी सरकार इसे कहाँ पर शिफ्ट करने की बात मान रही है? ये नया मुरादाबाद में MDA में जो काफ़ी दूर है, यहाँ से बात करियों को और अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी पड़ेगी।